हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकाडमी। मु दीपक राउत आपमनकु स्वागत करुछि। तो आमे वेट करिबा अनदर 30 सेकंड, सो लेट पीपल जॉइन, तापर आमे स्टार्ट करिबा। हाय सौभाग्य, सौभाग्य लक्ष्मी, हाय ललाट, हाय सैटरडे ललाट। एक्चुअली तुम ऑफिस बंद रही ना, छुट्टी नहीं? सुश्री, तो सो लेट स्टार्ट। तो पिला जॉइन करिवे, सो जो मैंने जॉइन कर छथि गोटे थर हाय कर दियो, सो दैट कि मैं जानी भी को मैंने जॉइन कर छथि। ओके, तो हमर फर्स्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस हमें अनअकाडमी विषय रे कौन कौन तुम ओपीएससी रे एबे चली जे ताकु मु फर्स्ट 1 or 2 minutes तुमको कहबी। तो आम ओपीएससी रे तुमर ओडिशा सिविल सर्विस रो एग्जाम हो कि ओडिशा जेकोसी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो सब गुड़ाक आम अनअकाडमी तुम पढ़ी पार। ओके, सो लाइव क्लास सहित तुम डिफरेंट एजुकेटर मैंने जो मैंने एक्सपीरियंस एजुकेटर अच्छा समस्ते आम पढ़ी जो करें। हाय सरस्वती, ओके, हाय लोपिता, हाय सौभाग्य, सुश्री। तो तापर आम जो तुम्हें मैंने पढ़ी पार, तो ये आम कौन अच्छा डिफरेन्ट आम एजुकेटर अच्छा 16 एजुकेटर अच्छा जो मैंने कि एक्सपीरियंस एजुकेटर आउ ऑलरेडी से मैंने डिफरेन्ट फील्ड रे ऑलरेडी जो पिला मानको गाइड करी, तो से थ्रो रे तुम्हें डिफरेन्ट कोर्स पढ़ी पार। तो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम हो कि ओएसएससी एग्जाम हो, एएसओ एग्जाम हो, कि ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एग्जाम हो, तो सबुतिपाई ए तुम्हें डिफरेन्ट एजुकेटर मान जो कौन से मानकर टीचिंग नहीं पार। ओके, तो यही आम सब सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू धरिकी सब टॉपिक आम तुम जो पढ़ी पार। हाय चिंतामणि, हाय संगीता। तापर होची कौन ना, ये कंपलसरी पेपर रही, आम ऑप्शनल पेपर रही। ओके, ओएस मेन कंपलसरी पेपर ऑप्शनल पेपर, तापर आम एएसओ कोर्स ऑलरेडी लॉन्च होती, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन कोर्स लॉन्च होती, सीटी बीईडी ओटीईटी, तापर ओएबीएस, तो सब ओ डबल एस सी, तो सबुतिपाई आम गोटे प्लाटफर्म तुम कौन पाइपर ना कोर्स तुम पाइपर। ओके, तो ये तुम लाइव क्लास तुम कर। ओके, लाइव क्लास सागर तुम टेस्ट जो क्विज आम टेस्ट सीरीज रोचे आमर जो डिफरेन्ट आम कोर्स सांग टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज भी करपर। तुम देखि जो प्रति तीन टा क्लास पर आम गोटे डाउट क्लीयरी क्लास रोचे, तो जोटा कि तुम किसी डाउट जदि अच्छी तुम डाउट क्लीयरी क्लास कर। ओके, आई थी समस्त आम कौन होना जो मैंने एक्सपीरियंस एजुकेटर अच्छा तो से मैंने पढ़ाऊँ। ओके, तो मो ऑडियो ठीक रे आसुच्छे, लेट मी नो ऑडियो वीडियो ठीक रे जी आसुच्छे कि नहीं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हूँ कौन ना, ये तुम जो डिफरेन्ट आम कोर्स भी अच्छी, तो 1 month को तुम 1400 टाँ, 3 months को 3500 टाँ, 6 month को 5600, 12 month को 7000, 8 जो 24 month नब तुम 8400, जदि तुम 12 month नौ आउ मो कोड यूज कर, मो कोड हूँ डीकेआर, यहाँ एक्चुअली रंग अच्छी
तो मुझे लिखी दूची ओके तो मुझे लिखी दूची तो एक्चुअली जोटा अच्छे आमर मो कोड हूँ कौन ना जदि यूट्यूब कोड यूज कर तुम्हें डीके आर दीपक कुमार राउत ओके डीके आर लाइव तो ये कोड यूज कले तुमको कौन हम ना डीके आर लाइव जब यूज कर इमिडिएटली तुमको 10% डिस्काउंट मिल धर 7000 टाँह अच्छी तो यहाँ तुम 6300 टाँह ओके तो जदि तुम किसी पॉइंट्स भी अच्छे तुम ये जो वीडियो देखु अनएकेडमी ताप कि कौन ओके जोटा कि आमर जो किसी पॉइंट्स अच्छे तुम ये पॉइंट डिस्कशन जो डिस्काउंट होगा 5800 रुपीज पड़ो तुम डिवाइड कर बाय 12 रे तो लेस देन 500 रुपीज तुम पड़ी पर मंथ ओके तो जदि तुम पर डे डिवाइड कर 15 रुपीज पर डे तुम पाइब 15 जन आम एजुकेटर अच्छा ओके तुम्हें कौटी भी यही आमर ऑफर पाइपर तुम्हें जानव जो ओपीएससी रो सिविल सर्विस रो प्रीली मेन इंटरव्यू पर कते टाँह नौ मिनिमम 1,00,000 नौ तुम्हें 5000 रे थ्रो आउट इयर रे डिफरेंट एजुकेटर टू प्रीलिम इंटरव्यू मेन विथ ऑप्शनल सबकिपर सब जितक एग्जाम है एएसओ ठू धरिकी ओएमसी ठू धरिकी आमर ओएसएससी ठू धरिकी सब एग्जाम तुम्हें प्रिपेयर कर पार गोटे प्लाटफर्म ए नुहे कि केवल धर मो कोड यूज कला मैंने केवल मोरी के देखिपर से नुहे जिते जनकर अच्छी समस्त तुम देखिपर फ्रीली आमकर जदि भी क्लास मिस कर दे तुम रेकर्डेड भिड भी तरह देखिपर ओके तेणु गोटे बेटर लर्निंग प्लाटफर्म ये COVID-19 समय जो थी तुम फिजिकाल इनट्यूशन को जापार न फ्रीली तुम घर बसिक देखिपर ओके सो यही आमर हूँ कौन ना अनएकेडमी जो प्लस कोर्स विषय में बहुत पिला ऑलरेडी जॉइन करते ना अनएकेडमी एक्चुअली ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन ओडिशा नुहे केवल थ्रो आउट इंडिया यहाँ गोटे लर्निंग जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफर्म इन इंडिया ओके तो तुम समस्त आ विषय डेफिनेटली जानी थी ओके तो आज आम कौन डिस्कसन करवा तो आज आम डिस्कसन करवा जो मैंने एक्चुअली जो अनएकेडमी में मते फॉलो करना तो जदि कौन सी वीडियो तुम ऑटोमेटिक तुम पाक मेसेज आसाप फॉलो बटन अच्छी तुम फॉलो कले डेफिनेटली तुमको मेसेज आसीजीबो ओके तो आज आम गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवा डिस्क्राइब द वेरियस चेंजेस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd आउ 44 अमेंडमेंट आक्ट जो पड़ी था आम परीक्षा ओएस रे 10 मार्क्स क्वेश्चन पड़ी था तो सिमिलर यही क्वेश्चनटा बार बार क्वेश्चन पड़ी 42nd आउ 44 अमेंडमेंट आक्ट उपर आम डेफिनेटली क्वेश्चन पड़ुचे तो यहाँ डेफिनेटली तुम मन रख प्रिलिम पाई हो मेन पाई हो कौन सी एग्जाम पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट हूँ 42nd आउ 44 अमेंडमेंट आक्ट तो आम ताऊपरें डिस्कसन करवा येस ललाट आज राति आम जो ग्रामार करवा तो स्पेशल क्लास अच्छी तो आमर 42nd आउ 44 अमेंडमेंट आक्ट उपर आम डिस्कसन करवा तो तुम्हें किसी पॉइंट्स कह 42nd अमेंडमेंट आक्ट रे ओके तो 42nd अमेंडमेंट आक्ट रे कौन कौन थिला आम डिस्कसन करवा ओके चेंज इन डीपीएसपी वेरी गुड 51A फंडामेंटल ड्यूटी 51A फंडामेंटल ड्यूटी ललाट ओके फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कराला सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट अमर नियागला ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए 42nd अमेंडमेंट आट डीपीएसपी ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए आउ कौन कौन थिला ट्रिब्यूनल ओके एसएसआई सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तीन टा वार्ड यूज कराला आउ कौन थिला 39A 43A 48A ऐड करागला वेरी गुड है प्रद्युम्न नमस्कार आउ कौन कौन आमर ऐड करागला तो आग तुम्हें कहिबो तापर हमें फाइनली सम अप करिबा कारण ये क्वेश्चनटा बार बार पढ़ुची लास्ट टाइम पढ़ी मैंने 2019 क्वेश्चनटा पढ़वार बहुत संभावना अच्छी ओके तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ओके 39A ओके डीपीएसपी ओके आउ कौन कौन हेतला अनदर 2-1 मिनिट तापर मु स्टार्ट करी कौन कौन इथरे इंपोर्टेंट प्रोविजन कहिबा
ओके कौन कौन हेतला मु इम्पोर्टेंट प्रोविजन तुमको कहिबी तमे आगे कही सर तापर आम डिस्कशन स्टार्ट करिबा एनीथिंग एल्स तो आम जितक इम्पोर्टेंट आक्ट अच्छी से गुड़ाक आम डिस्कसन करवा आज जोड़ाक परीक्षा पढ़ुची ओके तो जोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी प्लस आमर परीक्षा आसूसी से गुड़ाक डिस्कसन करवा फास्ट हूँ 42nd अमेंडमेंट आक्ट ओके प्रेसिडेंट आर बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस ओके ओके सो लेट स्टार्ट तो मु वर्तमान स्टार्ट करी एक्चुअली ता पूर्व मु तुमको टे बैकग्राउंड कहवा ट्राई करी ओके जे 42nd अमेंडमेंट आक्ट एक्चुअली कौन होता तो 42nd अमेंडमेंट आक्ट तुम के 42nd अमेंडमेंट आक्ट के खाली को ईयर आसी कह ओके 76 रे तो एक्चुअली ता बैकग्राउंड ता पूर्व कौन होता ना आमर 1971 रे ओके तो 1971 रे तुम जानी से आमर किए आम प्राइम मिनिस्टर थिले ना प्राइम मिनिस्टर आमर थिले मैडम इंदिरा गांधी थिले ओके तो मैडम आमर इंदिरा गांधी जो थिले ओके तो पीएम थिले आमर मैडम इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी समय कौन है ना दुटा इम्पोर्टेंट घटना होता कौन से घटना है ना फास्ट कथा जो सीए जिते तुम जान जो इलेक्शन में ठिया होते तो इलेक्शन में जो इलेक्शन प्रोसेसटा को नल एंड भॉइड कराई कौन पे नल एंड भॉइड कराई ओके तो नल एंड भॉइड कराई जे कहगला जे इंदिरा गांधी चिटिंग करी एक्चुअली इलेक्शन जीति ओके तो इंदिरा गांधी चिटिंग करी इलेक्शन जीति से अल्लाहाबाद कोर्ट कौन कला अल्लाहाबाद कोर्ट आमर कौन कला ना ऑर्डर देला कि आमर जे जो इलेक्शन प्रैक्टिस रे जदि तुम किसी गलती करके जीति से मिसकंडक्ट ऑफ इलेक्शन बोली कह ओके तो मिसकंडक्ट बोली कह ओके तो मिसकंडक्ट ईयर कौन कराला ना तांकर जो कैंडिडेचर को आमर नल एंड भॉइड कराईगला तो नल एंड भॉइड कराईगला मैंने से पार्लियामेंट कौन ना डिस्क्वालीफाइड हो गले डिस्क्वालीफाइड हो गले कौन हम ना सी ए पी एम हो पारे 1971 ये भाया जो यो केस है जो आमर तर जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस रे आमर राजनारायण भर्सेस जो इंदिरा गांधी केस आमर आसी तुम जान 12 जून आमर ओके 1975 रे तांकु कौन करा ना यही केस रे डिस्क्वालीफाइड कराई जे तुम आज कौन हम ना तुम जो इलेक्शन प्रोसेसटा दैट इज एक्चुअली तुम चिटिंग करी जो इलेक्शन जीति तुम से कौन हो तुम इलेक्शन प्रोसेसटा को नल एंड भॉइड कर दिगला अल्लाहाबाद कोर्ट यही भाया गोटे जजमेंट दे ओके तो गोटे तो है आमर इलेक्शन केस को लेकिन से ही समय आउ गोटे केस कौन होता ना तुम जानी जेपी मुवमेंट होता ओके तो जेपी मुवमेंट कौन थिला ना जेपी मुवमेंट रे तुम जानी थे इम्पोर्टेंट आम स्लोगान कौन आसूला जे इंदिरा हटाओ देश बचाओ ओके तो इंदिरा हटाओ ना करप्शन चार्ज बहुत आमर आलिगेसन आनी मैंने ना जयप्रकाश नारायण तुम जान बिहार रो ओके तो सीए कौन कले ना थ्रो आउट इंडिया जाके गोटे मुवमेंट चलेले जो थे कि आमर गवर्नमेंट को कौन कहले जो जो जनता आ रहा है जो तुम स्लोगान से पॉपुलर स्लोगान थी कि जनता आ रहा है कृषि खाली करो ओके इंदिरा हटाओ देश बचाओ तो ये भाया आमर जेपी मुवमेंट होते स्टार्ट हम तो इंदिरा गांधी को दी आड़ प्रेसर पड़ी गोटे आड़े एक तो आम इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड भॉइड कर दिया सेकेंड कथ हूँ जेपी मुवमेंट रे करप्शन चार्ज रे गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे कौन हम तो गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे थ्रो आउट इंडिया रे आमर कौन हम ना प्रोटेस्ट हम तो प्रोटेस्ट जिते हम तो इंदिरा गांधी कौन करेंगे ना से आमर इंटरनाल इमरजेन्सी लगे ओके तो इंटरनल इमरजेन्सी लगे तो इमरजेन्सी लगे कौन ना इमरजेन्सी लगे इमरजेन्सी देश में आम इमरजेन्सी लगे तुम जान जो 1975 रे आमर इमरजेन्सी लागू होते ना 19 मंथ पे 19 मास पे आमर जमी आज का डेट रे आमर कोरोना रे आमर कह लॉकडाउन होती ओके तो सब बंद बांद अच्छी तो से आमर नेशनल इमरजेन्सी जो लगा हबो कौन
ना 1975 कॉज कौन दिया बा? ना इंटरनल डिस्टरबेंस। ओके तो इंटरनल डिस्टरबेंस को नहीं कि सी कौन करिवे ना गोटे थ्रू आउट इंडिया आमर कौन हबो ना सी लगेबे कौन ना जो इमरजेंसी इश्यू करदेवे। ओके तो यही समय कौन करिवे ना तुम जानी जे कौन है ना जितक आम सब लोक आम प्रोटेस्ट करू समस्त को गोटे झटकारे समस्त को कौन हम ना आरेस्ट करके जेल जितक आम इम्पोर्टाट लीडर थे। ओके तुम नेम कह कार अटल बिहारी वाजपेयी। ओके अटल बिहारी वाजपेयी हूँ आडवाणी हूँ। ओके जो आम फर्नाडिस हूँ जर्ज फर्नाडिस। ओके जयप्रकाश नारायण सी निजे तो जितक लोक आम अपोजिशन लीडर समस्त को इंदिरा गांधी कौन कले ना जेल में पुरैदे कौन ना मैंने डायरेक्टली आम थ्रेट टू द कंट्री इंटरनल डिस्टर्बेंस से माने क्रिएट कर। सेकेंड कथा जानचे फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी आम हटे दिगला। ओके फ्रीडम ऑफ प्रेस जी भी गवर्नमेंट एग्नेस्ट किसी लिखुला पूरा डायरेक्टली कौन जेल रखा होता तुम्हें कह हिस्ट्री रे कलेक्शन कर जदि तुम रिमेम्बर करें पढ़ी जे गोटे कौन पढ़ी जे राउलट आक्ट गोटे पढ़ी तो राउलट आक्ट में कौन कहला जी गवर्नमेंट एग्नेस्ट किसी भी आम जो प्रोटेस्ट करुच्ची कि किसी भी आमर लगे आम एग्नेस्ट किसी कन्स्पिरेसी कर किसी आम एग्नेस्ट कौन इमिडियेटली कौन ना टू इयर्स विदाउट आम विदाउट ट्रायल तुमको टू इयर्स जेल दि जाऊला। तो सेम जिनस कौन हम ना पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस जोटा कि आर्टिकल आम 19 तो सहीटा को कौन कराला ना हटे दिया है कि तुमको जिते बड़े चाहिए जन को आरेस्ट कराइला जितक इंपोर्टां लीडर थे समस्त को आरेस्ट कर निगला तुम जो आर्टिकल जो 20 आउ 21 थिला आर्टिकल 20 कौन तुम 21 हूँ राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। ओके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तुमको जो आर्टिकल 20 रे कहा हम जो अन् वार्ड ग्राउंड तुमको आरेस्ट करा हो तो सहीटा तुमको जो प्रिवेंशन डिटेनसन तो यहीपाई तो से कौन कराला ना यही दुटा का आर्टिकल को से हटेदे तेणु सी जहाँ को पाइबे विदाउट किसी सोकज नोटिस तुम पर्सनल लिबर्टी और तुम पर्सनल लाइफ को से कौन करें हार्म करें फंडामेंटल राइट को वायोलेट करके तुमको आरेस्ट करें। तो यही सब जिनस होते ना जो इंदिरा गांधी को समय 1975 तो से ही समय आम गोटे कमिटी बसइले ये। ओके तो कमिटी बसइले से कमिटर नाँ हूँ कौन ना शरण सिंह कमिटी। ओके तो शरण सिंह आमर शरण सिंह कमिटी जो बस शरण सिंह कमिटी कौन कर ना सी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करी कौन कौन ए सब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट से सीए। ओके नो बकली नो दलीली। ओके यस अभिषेक वेरी गुड। तो से तुम से ही स्लोगान दिहला जे नो वकिल नो दलील तो डायरेक्टली को आरेस्ट करके जेल रखा होता। तो से ही समय इवन इफ तुम जानी जे तो जे इवन इफ लालू यादव को भी आम आरेस्ट कराइल जी कि लालू यादव पर आम कांग्रेस सागे रे लालू यादव भी सही कौन करना आरेस्ट होते कहीं सी जेपी प्रकाश जेपी को फलो करके मुवमेंट इनवल्व करेंगे। ओके तो इवन इफ जो यही सब जिनस जो लोक मानकर फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच है लिबर्टी है जो पर्सनल जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सबको वायोलेशन करके आम इंदिरा गांधी कमिटी कौन जो इंदिरा गांधी कौन देश में इमरजेंसी लागू होती है जोटा कि 19 मास लागू होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने कौन हो ना गोटे कमिटी गठन करेंगे से कमिटर नाँ हूँ शरण सिंह कमिटी। से शरण सिंह कमिटर रेकमेंडेसन आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराव। ओके जार ना होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके तो यही जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे पूरा कहवाक कॉन्स्टिट्यूशन टा आउ थे आमर लिखा जाइए ईच एंड एव्री थिंग रे आमर लॉट ऑफ चेंजेस एक्चुअली कराई 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तो से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुची ना कॉन्स्टिट्यूशन टा को पूरा तुमको लगे आउ थे बहुत किसी छेड़खानी होता बहुत किसी चेंजेस आना। ओके तो से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी आमर कहे तो वर्तमान आम देखा जे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोटा कि आमर कह सबुक आम अमेंडमेंट अच्छी सब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कौटा ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 तो से कौन कौन आमर होता तो तुम्हें यहाँ निहाती मन रख लास्ट इयर पढ़नी ए वर्ष परीक्षा डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छी पढ़ला भाया तो कौन कौन आम देखा ये इम्पोर्टाट आमर प्रोविजन सब थिला। ओके तो लेट स्टार्ट तो आम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोटा कि मोस्ट कम्प्रिहेनसीव अमेंडमेंट सो फार
टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इट गेव द इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ सरन सिंह कमिटी, तो सरन सिंह कमिटी रे हमरा रिकमेंडेशन गुड़ाक ये लिखाई छि। तो ओके ओके ललाट, यू कैन क्यारि अन्। ओके सेकेंड है आमर तीन टा वार्ड एक्चुअली आड कराई, ओके। तो तीन टा वार्ड आम प्रियम्बुल आड कराई, तो सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी जोड़ा को आम कहे SSI सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी प्रियम्बुल। तुम्हें प्रियम्बुल देख जदि ओके, तो प्रियम्बुल आमर गोटे थर जमा आमेडमेंट हो तो सहीटा हूँ के 42nd आमेडमेंट आक्ट जोटा कि आमर जो इंदिरा गांधी के समय होता, ओके। तो तीन टा नुआ आर्ड यूज कराला सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी, ओके। तुम प्रियम्बुल चेंज करागला, ओके। तुम जानी थी जो आम प्रियम्बुल हूँ कौन, प्रियम्बुल हूँ जे रिफ्लेक्शन अफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन हो तार रिफ्लेक्शन टा हूँ प्रियम्बुल, तो ता समरी तार एसेन्सटा हूँ आम प्रियम्बुल। तो से प्रियम्बुल भी आम चेंजेस कराई जे तीन टा नुआ वार्ड है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ओके। तेणु यहीटा जो कौन है ना तुम गोटे क्वेश्चन पड़ा वेदर आम प्रियम्बुल आमेंड हो पार कि तो आमेंडमेंट जो मैंने नुआ मानने पिला तुम जब कहीं बुझी नमेडमेंट मैंने कौन ना जिते आम कन्स्टिट्यूशन किसी गोटे नुआ प्रोविजन आड करुचे किंवा कि ऑलरेडी गोटे एक्जिस्टिंग प्रोविजन को डिलीट करुचे किंवा किसी आम चेंजेस करुचे कहते आमेंडमेंट जमीक आम कह GST तो आम कन्स्टिट्यूशन आड करागला तो यहाँ गोटे कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट बिल रे आम GST जोटा कि 4 OPSC प्रिलिम रे पड़ी सारे 101 आमेंडमेंट आक्ट बोली। तो सिमिलरली आम कौन है 1976 जो 42nd आमेंडमेंट आक्ट आसला से आमर कौन है ना तीन टा वार्ड सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी आड कराला प्रियम्बुल एटा मन रखियो प्रिलिम रे पड़ुची। सेकेंड कथा है जे आम फंडामेंटल ड्यूटी बोली आम कि नाला कन्स्टिट्यूशन आगु तो 1976 पर्यंत आम फंडामेंटल ड्यूटी बोली आम कि नाला तो ये सरन सिंह कमिटर रिकमेंडेशन 42nd आमेंडमेंट आक्ट्रे गोटे फंडामेंटल ड्यूटी आड कराला फर द सिटीजन जोटा कि तुम जान Part 4A रे अच्छी आउ Article 51A रे अच्छी, ओके। नेक्स्ट कौन करागला जे मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो कहगला जे कैबिनेट कौन करना जहाँ एडवाइस दब प्रेसिडेंट से मानवाक बाध्य। प्रेसिडेंट को जदि कहे आमर नेशनल इमरजेंसी लगाओ ताले लगे कहीं यहाँ कैबिनेट कर एडवाइस, तो यहाँ गोटे प्रोविजन रखागला जे जो मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो से प्रेसिडेंट किए थे डू एनीवन नो से जितेबाला आम इमरजेंसी इश्यू है तो से इंडिया प्रेसिडेंट किए थे, ओके। तुम कमेंट सेक्शन कह जदि किए जान, तो से कौन होता ना जी प्रेसिडेंट थे जस्ट आम फोन करके कौन कहे मैडम इंदिरा गांधी कहले कि कैबिनेट लगे दि कारण मैडम इंदिरा गांधी से मोस्ट पावरफुल पर्सन थे इन द आम कह इंडिया तेणु तांकर जो डिसीजन जहाँ से माने नौथिले पूरा वन वे डिसीजन से नौथिले तो डायरेक्ट फोन करके प्रेसिडेंट को कहले कि तुम इमरजेंसी लगे दियो तो से माने इमरजेंसी लगाला। तो इमरजेंसी तुम जान तीन टा आमर नो 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 नॉट ज्ञानी जयल सिंह नुहे, तो आउ किए जान जदि कह जे आमर कौन है ना फोन करके ये कहले सी इमरजेंसी लगेदे आम जान इमरजेंसी लगे कौन आम कंडीशन थी, तो से आमर थी गोटे नेशनल इमरजेंसी अंडर Article 352 तुम लगे पार जिते कि गोटे वार सिचुएसन है कि एक्सटर्नाल आग्रेसन है कि बर्तमान से जो इंटरनाल डिस्टर्बेंस थी से बर्तमान आम चेंज कराई आर्म रिबेलियन कराई, तो से इंटरनाल डिस्टर्बेंस से मैंने कौन करेंगे ना आम जो नेशनल इमरजेंसीटा इश्यू करेंगे, ओके। तो से आमर किए थे ना जो फखरुद्दीन अली आमर जो थिले, ओके प्रेसिडेंट आमर थिले से बड़े, ओके। तो चेक करिबो तो आमर चेक करिबो जे कि आमर जो थिले फखरुद्दीन अली आमर बोधे थिले, ओके। तुम चेक कर कमेंट सेक्शन में कहिबो आउ कौन करागला ना प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आउ ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर जोटा कि आम Part 4A रे आड करागला। नेक्स्ट आउ कौन करागला ना तुम जान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रे आमर चेंजेस करागला, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तुम जान आम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी Article 36 to 51 भितर अच्छी, तो से भी आम कौन करागला ना नुआ प्रोविजन सब आड करागला, तो आमर जो 39A जोटा कि आम कहे इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर,
तो पुअर मानक फ्री लीगल एड दबा कथा आम कहगला जोटा कि आम कह गए गुड इनिशिएटिव जदि का पाखे पैसा ना जा कोर्टे लड़ापाई गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करवा तेणु समस्ते जस्टिस पाइबा समस्त राइट गोटे तो इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ए रे आमर आड करागला पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री 43 ए रे आड करागला प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ओके आउ फॉरेस्ट आउ वाइल्ड लाइफ तो एगुड़ाक सब आम डीपीएसपी रे आड करागला तीनटा नुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो पॉलिसी आमर यस जितेंद्र तो आमर फकरुद्दीन अली अहमद थिले आमर तो फोन करके ये कहले जे तुम्हें इमरजेन्सी लगे दि तो ये लगेदे तो से सब जिनस गुड़ाक आम जो गुड़ाक सब भूल हो तो से गुड़ाक कौन हम ना 44 अमेंडमेंट आक्ट सब चेंजेस गुड़ाक तेणु आम डीपीएससी में कहवा यहाँ गोटे गुड थिंग्स जे आम फ्री लीगल एड टू पुअर आर्टिकल 13 जो जो पुअर पीपुल को दि जाऊँ ओके इक्वाल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर तो युवाक आम 40 जो 39 ए अच्छी पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री ओके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये तीन टाक मन रखिए आईएएस रे प्रीलिम 2018 ये क्वेश्चन टा पड़ा जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोडा अच्छी तो गोटे है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड अच्छी पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इवन इफ हमर ओपीएससी प्रीलिम रे भी पड़ा मन रखिए ईच एंड एव्री लाइन इज इंपोर्टेंट इन दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट तापर कौन है ना पांचटा सब्जेक्ट सिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट तो से तुम जानी जो सब्जेक्ट गुड़ाक जो डिफरेंट आम डिपार्टमेंट अच्छी आम तीन टा पाखे विभक्त कराई गोटे आम सेंटर जो कंट्रोल करोटा आम कौचे यूनियन लिस्ट जोड़ा स्टेट कंट्रोल करें कौचे स्टेट लिस्ट जोड़ा दिजन जाक मिसी करुँच तो से आम कौन कौचे कंकरेंट लिस्ट बोली आम कौचे ओके तो पांचटा सब्जेक्ट आमर कौन ना एजुकेशन है फॉरेस्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है वेट एंड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस तो यहाँ भी परीक्षा लाइन जोड़ाक जो ईच लाइन आम इम्पोर्टेंट परीक्षा पड़ता तो एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आज वाइल्ड एनिमल ऑफ बर्ड्स वेट एंड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ये पांचटा जाक आम आगे स्टेट लिस्ट थी स्टेट लिस्ट रू हटे कौन ना कनकरेन्ट लिस्ट रखाला ओके मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी आगुरु तुम कौन जान जे आर्टिकल जो तुम्हारा 30 आर्टिकल 13 ने कौन अच्छे जदि कौन सी लॉ को जुडिशियरी कौन काम ना जुडिशियल रिव्यू गोटे कर कौन ना तुम जदि कौन सी जो लॉ आम तैयारी पार्लियामेंट बाला जो मैंने लेजिस्लेचर रही एमपी मैंने यादि से एग्नेस्ट जुडिशियल माने सेटा एग्नेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो बाहर जदि तार तार सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू रे चेक करिवो जे लॉटा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग जदि से रॉन्ग बोली देखिवो सुप्रीम कोर्ट संगे संगे सेटा छक पके दबो नल एंड वॉइड कर दबो कैंसिल कर दबो ऑलरेडी करितला हमरा एनजेएससी एक्ट रे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जोथरे की ओटे कमिटी गठन कराइतला जे की हमरा कोन करिवो ना जज मानको अपॉइंटमेंट दिया हबो सेथिरे जेहेतु हमरा जो कोन होची ना गवर्नमेंट रो लोक रहउथले सेति पे हमें कहले जे इट इज माने एक्चुअली अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशियरी व्हिच इज ए बेसिक स्ट्रक्चर तेणु से जो बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ा को वायोलेशन जो 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 प्रोविजन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर आसला जदि ताकू वायोलेट करुच्ची ताले कौन करुथला सुप्रीम कोर्ट कौन करुथला नल एंड वॉइड कर दउथला जुडिशियल रिव्यू रे तो यही जो जुडिशियल रिव्यू पावर टा आम सुप्रीम कोर्ट रो थिला ताकू कौन कर देला ना आमर जो ये कटेल कराइला से पावर टाँग रही तो सुप्रीम कोर्ट रो कटेल द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड रीड जुरीडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तुम्हें भाव जोटा कि इंपोर्टेंट गोटे फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हटे दिगला तेणु जो जो प्रोविजन गुड़ाक गवर्नमेंट एग्नेस्ट्रे थे जो मैंने गवर्नमेंट एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करते समस्त जेल दे दूसरे ओके इवन इफ मैंने कौन सी गोटे जो लॉ पास करुले तो ता एग्नेस्ट जो गवर्नमेंट किसी एक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू रे नल एंड वॉइड करुला सेटा को भी से कौन हटेदे ओके तो इनडायरेक्टली कह पावर टा से कौन करुले ना निज हाथ में पूरा कनसेनट्रेट करके रखा से चाहूल तुम्हें भाव जो पूरा से समय कौन है ना आजिका डेट्रे जमीक तुम्हें कहते हिटलर जमी आम शासन करुले तो पूरा जो पावर टा सेट्रालाइज करके रखा को तो से भाया सिचुएसन आम इंडिया हो जाता 1975 आम जो इंटरनाल इमरजेन्सी होता ओके तेणु मन रख कौन कौन आम इम्पोर्टाट प्रोजन सब रहा ओके
तो आमर प्रीएम्बुलस चेंज कराला एसएसआई सोशली सिक्युलर इंटीग्रिटी फंडामेंटल ड्यूटी आम आड कराला पार्ट फोर ए 51 ए रे तापर आम प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओके गोटे प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर पार्ट 14 ए रे आड कराला डीपीएसपी रे तीनटा नुआ आमर आड करागला इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट इच लाइन ऑलरेडी आमर यूपीएससी प्रीलिम रे पड़ीतला आमर स्टेट सब्जेक्ट रु पांचटा आमर हटे कि नहीं कि कनकरेंट लिस्ट रखागला एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ वार्ड वेट एंड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रीड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हैला जे तमरो आमे कौन जानीचे जेतेबेले आमर कौन जानीचे आमे ना जेतेबेले आमर फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी भितर जेतेबेले आमर किछि कॉन्फ्लिक्ट हबो काहार पावर कोटा को आमर रखा जाय बोली आमे कहिसे आगुरु पढ़ीथिले आमर जानीचे जे फंडामेंटल राइट गुडा जस्टिसेबल ओके डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट जोटा कि पार्ट थ्री रे अच्छी आर्टिकल 12-35 आम कहे जदि तुम फंडामेंटल राइट गुड़ाक भावलेट हो तुम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट गोटे अच्छी आर्टिकल 32 रे तुम्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जीव जे तुम फंडामेंटल राइट भावलेट हो तो सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स इश्यू करके तुम फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करुच्ची तुमको न्याय दौची तो ये कौन कला ना से समय गोटे लॉ मैंने आणिले तो जो थे कि कह जे जितेबाला इवन इफ मैंने गवर्नमेंट किसी ल कर डीपीएसपी रे जदि से तुम फंडामेंटल राइट भावलेट भी होके okay, कोर्ट से डिरेक्शन आम कौन हम ना से केस रे गवर्नमेंट जोटा कर फंडामेंटल राइट भावलेट हेले भी तुम कौन हम ना कि जो सुप्रीम कोर्ट किसी आक्शन नबनी तुम्हें भाभी पार ना नहीं कौ भाई सिचुएसन हो तुम्हें भाव आजिका डेट रे गवर्नमेंट जहाँ चाहिए से तुम्हें जब गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे किए किसी कौ तुम्हें कह मोर फ्रीडम ऑफ तुम्हें गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे किसी कह कौन पर मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी ओके तुम्हें जदि गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे किसी भी कहल ओके एमाने कौन गोटे ल पास कले कि आंटीनेशनल ल आंटीनेशनल मान मीनिंग कौन से माने डिसाइड करेंगे व्हाट इज आंटीनेशनल आंटीनेशनल माने जदि तांकु जहाँ भी लगला इट इज एग्नेस्ट द गवर्नमेंट एग्नेस्ट द स्टेट तो सेटा हेगला आंटीनेशनल तो आंटीनेशनल गोटे ल पास कले जो थे कि तुम फ्रीडम ऑफ प्रेस रे कौन हम ना जदि तुम्हें तांक एग्नेस्ट किसी भी छापिल कि कहल तुमको से माने अरेस्ट करके जेल रखिदे ओके तेणु यही से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से माने किसी भी ल तैयारी करेंगे जदि तार फंडामेंटल राइट को तुम भावलेट भी हो तो से केस कौन हम ना सुप्रीम कोर्ट किंवा हाई कोर्ट तो किसी भी करपर तुमको हेल्प तो यही ल से समय आसी ओके तो ये कौन ना प्रोवाइडेड दैट द ल मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तुम्हें जाच से दुटा जिनस 39 बी आउ 39 सी जो केस आसो तुम फंडामेंटल राइट जो गुड़ाक थी 30 जो 19 हो तो से गुड़ाक हूँ कौन 14 हो कि 19 हो तो वायलेशन हेले भी तार तुम्हें किसी करें हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट जाकि तुम्हें किसी चेंज करें आउ कौन कराई ना आमर रेज द टेन्युअर अफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली आज आम जानूचे लोकसभा टेन्युअर के 5 इयर्स स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली ऑफ टेन्युअर के 5 इयर्स तो से समय कौन है ना चेंज कराई 5 इयर्स रु 6 इयर्स कराइला ओके जदि आज से प्रोविजन था लोकसभा और राज्यसभा के बर्ष रही था थे जन इलेक्ट हेल्ले 6 वर्ष रही था कि 44 अमेंडमेंट आक्ट में चेंज कराइबो ओके तो तेणु मन रखे आमर यही सब इम्पोर्टाट प्रोविजन के सब चेंज मैंने पूरा मूल स्टार्ट करके प्रियाम्बुल टू धरिकी फंडामेंटल जो ड्यूटी है डीपीएसपी है जो जुडिशियरी है सबुति चेंजेस कराई से मिनि कन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा कन्स्टिट्यूशन टाक आउ थे लिखाला भाया होता ओके सो रेज द टेन्युअर अफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली फ्रम 5 इयर्स टू 6 इयर्स तापर एम्पावर द सेन्टर टू डिप्लय इट्स आर्म फोर्स इन एनी स्टेट टू डील द विथ ए ग्रेव सिचुएसन अफ ल एंड अर्डर बुझीपा ना नहीं कौन होती कौ स्टेट लगला कि ल एंड अर्डर रिचुएसन अच्छी तेल से डायरेक्टली सेन्टर आर्म फोर्स एम्प्लय करें ओके तो आर्म फोर्स आमर कौन करें ना एम्प्लय करें जोटा कि आजिका डेट आम कहे सब गोटे ड्राकोनियल ल है आम प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल एक्चुअली सर्विस ओके तो यही सब जिनस 42nd अमेंडमेंट आक्ट होता
तुम पॉइंट करके लिख 10 मार्क्स एथिरो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट गुड़ाक तुम रहा सबूगुड़ा तो इम्पोर्टेंट किंतु तुम बुलेट पॉइंट करके आम परीक्षा मेन परीक्षा लिख। ओके तो जो आमर कौन पड़ा 42nd अमेंडमेंट आक्ट पड़ा तापर आम कौन पढ़ा 44 अमेंडमेंट आक्ट। तो 44 अमेंडमेंट आक्ट रे कौन कौन होता तुम आग कह तापर आम डिस्कशन करवा कौन कौन आम 44 अमेंडमेंट आक्ट रे होता फर्टी फोर आमेडमेंट आक्ट कौन कौन होता तुम्हें कमेंट सेक्शन में कह तापर आम डिस्कशन करवा। जो मानकर एक्चुअली वीडियो रही जाऊँगी तो से मैंने काटिके आउ थे कर कारण बेले बेले तुम एमती लगे कि जो बफरिंग होली तो से समय तुम कौन कर इमीडिएटली काटिके आउ थे यूट्यूब खोल तो आसीबो तुमरो। ओके ओके वेरी गुड सुब्रत राइट टू प्रॉपर्टी रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा केते ना जो 6 वर्ष होता है को 5 वर्ष पुणी करा है जीवो तापरे तापरे कौन कराइला फटाफट फटाफट कह अनादर 1 मिनिट मु तुमको टाइम देवी ता भितर तुम फटाफट कह आम स्टार्ट करवा आग नेक्स्ट जो आम टॉपिक को जीवा 1 आवर क्लास तेणु फटाफट आम मैक्सिमम इश्यू को ट्राए करवाई ओके वेरी गुड सरस्वती वेरी गुड जितेंद्र रिटर्न रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर नेशनल इमरजेंसी आउ कौन कौन होता फटाफट फटाफट कह देख आम बर्तमान स्टार्ट करवा जे कौन है 44 अमेंड 42nd अमेंडमेंट आक्ट रे जो सब चेंजेस कराई जो सब भूल भाल होता तो सेड़ा को करेक्शन कराला कौथे ना 44 अमेंडमेंट आक्ट 1978 रे तो से 76 रे आसी दि वर्ष पर कौन हम जे एत प्रोटेस्ट है कौन हे ना जिते बड़े आम तुम जाच ना इमरजेन्सी लागू है 19 मस जो इमरजेन्सी लागू हम तापर कौन हम इंदिरा गांधी को लगे ना ए हटे देवा कथा इलेक्शन करवा कथा जो इलेक्शन हम इंदिरा गांधी मानने इलेक्शन से कौन हम तक गवर्नमेंट भांगिज सी जमा जीतिक आसवेनि तो एग्नेस्ट किए जीतिक आसवे जो मैंने प्रोटेस्ट करेंगे जनता गवर्नमेंट लेड बाय आम मोराजी देसाई तो मोराजी देसाई गवर्नमेंट फर्मेसन करेंगे जनता गवर्नमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी भी से गवर्नमेंट थे। ओके तो जनता गवर्नमेंट जिते आसब तो जो जो आम सब चेंजेस कराई 42nd अमेंडमेंट आक्ट 1976 रे तो सेगुड़ा सब नलीफाए करगुड़ाक पुणी आउ तार ओरिजिनल पोजिशन को निजी तो कौन कौन होता आम देखा तो ये जो 44 अमेंडमेंट आक्ट आम होता एनाक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट मेनली टू फुलफिल सम अफ द अदर जो डिस्टर्सन कराई जोटा कि 42nd अमेंडमेंट आक्ट 1976 रे तो सेगुड़ाक सब आम कौन ना चेंजेस करा जी माने ओरिजिनल पोजीशन कौन आज तुम्हें जाच जो आम कहे 42nd अमेंडमेंट आक्ट कौन होता लोकसभा और राज्यसभा टर्मटा 5 वर्ष रु 6 वर्ष को बढ़े जाइला तो सहीटा ही 6 वर्ष रु पुणी चेंज करके आजिका डेट्रे जो 5 वर्ष रखाला। ओके वेरी गुड सरस्वती तो नेक्स्ट हूँ कौन ना रिप्लेस आम जो तुम देखिले आम नेशनल इमरजेंसी आम कौन पे यूज कराइला से माने जो गोटे प्रोविजन थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस तो इंटरनल डिस्टर्बेंस रो जो क्लॉजटा को चेंज कर दे कि आमर आर्म रिबेलियन इन विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी जो 352 रे आम तीन टा प्रोविजन अच्छी गोटे आमर हूँ कौन ना तुम वार है एक्सटर्नल आग्रेसन है तो
जो इंटरनल डिस्टर्बेंस टाक चेंज करके कौन कराला ना आर्म रिबेलियन जोटा यूपीएससी प्रिलिम पड़ा यूपीएससी प्रिलिम भी पड़ा मन रख तो नेशनल इमरजेंसी 44 अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कराला आर्म रिबेलियन जदि आर्म रिबेलियन है नेशनल इमरजेंसी इश्यू हम ना आर्म रिबेलियन को भाया ना धर नक्सलवादी तो से गुड़ बंद धरिका जदि आम सेना बाहन को सब मारे तो से केस तुम्हें नेशनल इमरजेंसी इश्यू करपर नेक्स्ट है जे मेड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट जे कहले भाई आउ चलिबनी फोन करके कहीदेव जे हालो मु पीएम कहूँ तुम्हें नेशनल इमरजेंसी लगे दियो से कथा आउ चलिबनी एबे कौन ना प्रेसिडेंट को तुम्हें रिटन रिकमेंडेशन दबो कारण इंदिरा गांधी कौन करते ना कैबिनेट को विदाउट कनसल्ट करी डायरेक्ट आम प्रेसिडेंट को फोन करी कहले जे तुम इमरजेंसी लगाओ आउ इंदिरा गांधी कहते माने तो प्रेसिडेंट निहाती मानिया कि बाध्य कहीं मोर पावरफुल लेडीज से मोस्ट पावरफुल लेडी थे तो तापर से प्रोविजन टाक चेंज करने कौन कले जे प्रेसिडेंट जो जदि जिते नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ओनली व्वेन जिते रिटर्न रिकमेंडेशन पाइबे से कौटू ना कैबिनेट ठू कैबिनेट रो रिटर्न रिकमेंडेशन पाइला सी कौन करेंगे ना इमरजेंसी लागू करें ओके तापर आम राइट टू प्रॉपर्टी थिला राइट टू प्रॉपर्टी आम कत नंबर आर्टिकल थिला कमेंट सेक्शन में कह ओके तो राइट टू आर्टिकल आमर थिला तो सेटा को आमर कौन है फंडामेंटल राइट रू हटे कि नहीं कि 300 A आमर आड कराला 300 A जोटा कि आमर हूँ गोटे लीगल राइट एटा भी ओपीएससी प्रिलिम पड़ा तो राइट टू जो आमर प्रॉपर्टी कत नंबर आर्टिकल थिला ना आर्टिकल 31 थिला तो 31 रु आर्टिकल एटा को हटे कि नहीं कि आमर कौन कराला ना गोटे 300 A रखाला जोटा कि आमर केवल लीगल राइट रहिला तापर आम कौन ना प्रोभाइड दैट द फंडामेंटल राइट ग्यारंटेड बाय आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तुम्हें जो इंदिरा गांधी समय कहली तुमको जो इंट्रोडक्शन कौन ना आर्टिकल 19 तो हटाई थी 20 और 21 भी हटे कि जहाँ को पाइले से माने कौन कले ना आरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट हो विदाउट आमर तुम ट्रायल तुम कहबनी एगेंस्ट किसी कहबनी जो कौ ग्राउंड तुमको आरेस्ट कराऊ तुमको डायरेक्टली आरेस्ट कराइज आर्टिकल जो कौन हम ना 20 और 21 तुमको तुम फंडामेंटल राइट को वायोलेट करके आरेस्ट कराऊला तो यही जो प्रोविजन गुड़ाक हटे दि जाइला तो ये कहगला जे इवन इफ तुम नेशनल इमरजेंसी पड़े भी तुम फंडामेंटल राइट जोटा कि आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड यहाँ मन रखा भी आम परीक्षा पड़ा ओके तो प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट ग्यारंटेड बाय आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओके तो सिमिलरली एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वन्स द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकन्सिडरेशन तो आम पढ़ी यहाँ आम जो सस्पेंसी भिटो अच्छी प्रेसिडेंट करो तो सस्पेंसी भिटो रे हमरो प्रेसिडेंट कौन करें ना गोटे थर सी कौन करें ना बिलटा को रिटर्न करें कैबिनेट रो रिकन्सिडरेसन किंतु सेकेंड थर जिते बार रिकनसीडर होसब ओके दैट इज बाइंडर जो बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट जो सेकेंड टाइम सपोज गोटे बिल आसला तो प्रेसिडेंट को लगे कि ये किसी चेंजेस हवा दरकार सी रिकनसीडरेसन पठेदेवे तो रिकनसीडर होसला सेकेंड टाइम कौन ना प्रेसिडेंट से आप्रुवाल करने बाध्य ओके तो यहाँ तुम मन रखिथ ओके सस्पेंसी भिटू आमर थी आम 44 अमेंडमेंट आक्ट रे ओके आउ कौन कहला ना गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द पब्लिकेशन इन द न्यूज पेपर अफ द ट्रू रिपोर्ट अफ द प्रोसीडिंग अफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर तो से आम कौन कहले ना 42 अमेंडमेंट आक्ट रे कौन कहला जीए गवर्नमेंट एगेंस्ट रे किसी लिखुला तो डायरेक्टली आमर तांकु आरेस्ट करा जाऊ आउ इंदिरा गांधी समय रे तमे जानी चो प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस उपरे पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा जाता इवन इफ केते जन आमर जो न्यूज पेपर से माने कौन करूथले ना ब्लैंक पेपर छपेले प्रोटेस्ट करने आम तो सीना किसी लेखि पारूनी आम ब्लैंक पेपर से माने छपे कि दोथले तांको न्यूज पेपर ब्लैंक आसला किसी लेखा होता सेमिति आम प्रिंटिंग आसूला सीए कि प्रोटेस्ट रे कहिबाकु चाहूथले जे देखो आमको लेखिबाकु दोउनी गवर्नमेंट ओके तो आम प्रोटेस्ट करूछु आम पेपर तो पब्लिश करू किसी लेखिबु तो वे ऑफ प्रोटेक्शन से भाया था तो ये जो प्रेस उपरे रेस्ट्रिक्शन लगाई था पब्लिकेशन उपरे रेस्ट्रिक्शन लगाई था मीडिया उपरे हमरा रेस्ट्रिक्शन लगाई था तो 44 अमेंडमेंट आक्ट रे से सब प्रोटेक्शन गुड़ाक आम हटे दिगला तो ये कौन कहला ना गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द पब्लिकेशन इन द न्यूज पेपर अफ द ट्रू रिपोर्ट अफ द
प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जदि तुम किसी सत घटना लिखुच पार्लियामेंट कौन घटुच स्टेट लेजिस्लेचर ताल तुम पेपर एगेनेस्ट रे कहीं भी एक्शन नहीं पारे ना, तो यही सब प्रोटेक्शन रखि दिगला। नेक्स्ट कथा हो ओमिटेड द प्रोविजन व्हिच टुक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आमर ये प्रोविजनटा कौन पे आसा मुझे कहली जे इंदिरा गांधी जिते प्राइम मिनिस्टर होते तो से समय अलाहाबाद कोर्ट कौन कही जो इलेक्शन प्रोसेसटा से मैंने मिस पावर को यूटिलाइज करी सीए तो मिस आप्रोप्रिएट वे रे मिसकंडक्ट वे रे सी इलेक्शन जीति से पोस्टा को नल एंड भॉइड कर दि जाइला और जो मेम्बरशिपटा को डिस्क्वालीफाइड कराइला आमर कौन ना इंदिरा गांधी गोटे प्रोविजन आनी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ लोकसभा जो इलेक्शन गुड़ाक आम सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्ट शुणाणी करना से गोटे रूल करदे तो से ही प्रोविजनटा सी जो इंदिरा गांधी आनी कौन कले ना ओरिजिनल जोड़ा थिला जे सुप्रीम कोर्ट कौन करना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो इलेक्शन प्रोसेस को किसी डिस्प्यूट जदि अच्छी से शुणाणी करूला से रिस्टोर करदे। आउ जो जुडिशियल रिव्यू आम कहले आगु कौन सी जदि प्रोब्लेम होता आम लॉ सपोज आम कहे कौन सी प्रोब्लेम हो जोड़ा कि लॉ रे किसी प्रोब्लेम अच्छे ताल आम जुडिशियल रिव्यू पावर यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से नल एंड भॉइड करते जोटा कि इंदिरा गांधी हटे देते तो से जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आउ हाईकोर्ट रु पुणी रिस्टोर कर दिगला पुणी फेरे दिगला। तो जहाँ जहाँ 42nd अमेंडमेंट आक्ट रे हेतला भूल हेतला ताकु करेक्शन कोथरे करा गला ना 44 अमेंडमेंट आक्ट 1978 रे हमरो एटा जो चेंजेस करा गला। तो ए दीटा एक क्वेश्चन हमरो मन रखिबो परीक्षा रे पडितला ओके। तो तमे 2015 ओपीएससी रे गोटे क्वेश्चन पडितला देखो कोन पडितला जे पडितला जे हमरो यस यस तो डेफिनेटली आम स्टिल आमर किसी आमर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स रे भी आमर बहुत तले अच्छे ओके। चाइना देखिबले 180 कंट्री भितर आमर 179 रे अच्छी तो ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं ओके। तो गोटे ओपीएससी 2015 गोटे क्वेश्चन पड़ा कौन पड़ा ना जे व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया। आम देखिले 42nd अमेंडमेंट आक्ट रे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थिला तो आंसर कौन है जीवा? बी है जीवा 42nd अमेंडमेंट आक्ट ऑलरेडी आमर ओपीएससी 2015 लाइन बाय लाइन मन रखिबो परीक्षा तुम पढ़ुची ओएस रो 2015 आम ओपीएससी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन आमर होता ओके। आउ गोटे क्वेश्चन पड़ा आमर ओपीएससी 2006 क्वेश्चन पड़ा कौन पड़ा आमर 2006 क्वेश्चन जे फंडामेंटल ड्यूटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन तो केबे आमर फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आड कराइला। आम कहले फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर जो 42nd अमेंडमेंट आक्ट 1976 रे आसीथला सरन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन रे आर्टिकल 51 ए पार्ट 4 ए रे अच्छी ओके। तो फंडामेंटल ड्यूटी हो जीवो आमर केबे 1976 आउ एटा कोड आसी आमर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रेटा आमर आसी ओके। तो मन रखिबो जे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आक्ट 1976 रे आसी नथिर आमर 10टा जो फंडामेंटल राइट थिला किंतु पर आउ गोटे आड हेतिबो ओके 86 अमेंडमेंट आक्ट रे तो ये जो 10टा को फंडामेंटल राइट आमर सरन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन रे आसीथिबो ओके। तो एक्चुअली सीए देथिबे 8टा ओके। तो पर एठिरे 10टा एक्चुअली इंक्लूडेड हेतिबो फंडामेंटल ड्यूटी रे ओके। तो एटा आम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन आसी जमीक आम डीपीएसपी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी मन रखिबो परीक्षा पढ़ुची आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आम डीपीएसपी आसी आउ फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर आसी कौटू ना यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 51 ए रे आमर एटा अच्छी ओके। तो यही आमर कौन ना जो 42nd आउ 44 अमेंडमेंट आक्ट जोटा कि परीक्षा तुम बार बार परीक्षा पढ़ुची ओके। नेक्स्ट आउ गोटे आम टॉपिक जो डिस्कशन करवा ओके। तो जोटा कि हूँ आमर
फंडामेंटल राइट आ फंडामेंटल डीपीएसपी भितर कौन कौन डिफरेन्स अच्छे तो तुम्हें आग प्रथम कह जे फंडामेंटल राइट आ फंडामेंटल ड्यूटी भितर कौन कौन आम डिफरेन्स अच्छे तापर आम डिस्कशन करवा। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी भितर कौन कौन जो जो प्रोविजन अच्छी तो सेटा कह आम फटाफट डिस्कशन करवा। तो ये क्वेश्चन आमर चारिथर पड़ी। ओके फंडामेंटल ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी 2016 रे पड़ी था 2000 जो 11 पड़ी था 2018 भी पड़ी था। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी 1/1 तुम्हें कही चलो। ओके एनफोर्सिबल एंड नॉन एनफोर्सिबल। ओके फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सिबल ड्यूटी आर नॉट एनफोर्सिबल वेरी गुड। आउ कौन कौन हमर पॉइंट थिला कौन कौन हमर पॉइंट थिला अनदर 1 मिनिट मु तुमको टाइम देबी फटाफट कही चलिबा। ओके वेरी गुड जितेंद्र फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव डीपीएसपी आर पॉजिटिव आउ कौन कौन आमर पॉइंट थिला फटाफट। यस फंडामेंटल लाइट आर पार्ट 3 डीपीएसपी आर पार्ट 4 कोठो आसी दीटा एक भी कह ये कोठो आसी सी कोठो आसी को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा जाय छी। वेरी गुड सुश्री अनदर 30 सेकंड फटाफट कह फटाफट फटाफट कह। ओके आयरलैंड रु आसी सेमर फंडामेंटल राइट कौट आसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आसी। ओके वेरी गुड ओके सो लेट स्टार्ट मुझको यहाँ ये क्वेश्चन आम 5 थर खंडे पढ़ी लास्ट टाइम पढ़ी नाला तेणु एथर पढ़वार बहुत चान्स अच्छी। ओके फंडामेंटल लाइट आउ डीपीएसपी भितर डिफरेंस कौन। ओके एडा भी हमें ओके यस विजय करेक्ट ओनली। ओके तो ये हमें पढ़ा कहीं पढ़ा इधर परीक्षा इवन इफ हमें मॉक टेस्ट रेटा कवर करिने। ओके तो ये हमें डेफिनेटली कवर करवा इधर तो देख मु तुमको शॉर्ट रे कहूँ फंडामेंटल राइट जोटा ना अच्छी यहाँ कौन अच्छी पार्ट 3 अच्छी आर्टिकल 12-35 भितर अच्छी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीटा आम पार्ट 4 रे अच्छी आर्टिकल 36-51 भितर अच्छी। तुम्हें जाच फंडामेंटल राइटा आम कौ कन्स्टिट्यूशन अच्छी यूएस कन्स्टिट्यूशन रु आसी यहाँ आम कौट आसी इरिस कन्स्टिट्यूशन आसी। ओके तो इट कैन नॉट बी आम कौन हम आमेंडेडा भूल आम कैन नॉट बी डिलीटेड हम। ओके आमेंडेड इज सेंटेन्सटा भूल एक्चुअली लिखाई है। ओके तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक रे मु भूल लिखिदेगी तो यहाँ आमेंड करी हम फंडामेंटल राइट को आमेंड करी हम बट कैन नॉट बी डिलीटेड तो डिलीट करपरबानी बिकज इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा को आम डिलीट करपरबानी। ओके किंतु आमेंड करपर कहीं ना ये तनुजा तो आम आमेंड करपर कहीं ना ऑलरेडी आम आमेंडमेंट है 21A जोटा कि राइट टू एजुकेशन आमर ऑलरेडी 86 आमेंडमेंट आक्ट्रे आमेंडमेंट होती तेणु आमेंड करपर बट कैन नॉट बी डिलीटेड तो यहाँ कौन ना यहाँ आमेंड करपर। ओके डीपीएसपीटा नेक्स्ट क्वेश्चन होची दे आर नेगेटिव कोड़ा ना फंडामेंटल राइट वार नेगेटिव आज दे आर प्रोहिबिटिंग द स्टेट फ्रॉम डूइंग समथिंग तो सर्टन थिंग आम स्टेट आम फंडामेंटल राइट कौन कह स्टेट किसी जो गुड़ाक आम फंडामेंटल राइट आम लोक मान दि जाइए तो ता एग्नेस्ट किसी ल तापरबानी। ओके तो युवाक आम नेगेटिव कनसेप्ट ये स्टेट को प्रोहिबिट कराऊ टू डू सर्टन थिंग गोटे नेगेटिव सेंटेंस जे लोक मानकर फंडामेंटल राइट एग्नेस्ट रे तुम्हें किसी एमती ल आणनी जो थी कि लोक मानकर फंडामेंटल राइट आम भायोलेट हे। सेकेंड कथा
एक डीपीएसपी रे कौन कहा डीपीएसपी रे कहा स्टेट को आम फोर्स कराऊ लोक मान भलपाई कि नहीं कैस जो कौन ना कि ल तैयारी कर जमीक आम कह फ्री लिगल एड टू पुअर जे गवर्नमेंट जो गरीब लोक मानक जस्टिस देवाई तुम्हें फ्रीली आम लिगल जो लयर आम प्रोभाइड कर तुम्हें कह गरीब लोक मानक जदि आम मेल हूँ कि फिमेल हूँ तो जदि सेम दिजन जाक कम करूँ सेम टाइम करूँ दरमा भी सेम मिल दरकार सो इक्वल पे फर इक्वल वर्क फर बोथ मेन एंड वोमेन तो यहाँ पॉजिटिव थिंग्स कहुच्छे स्टेट को फोर्स कराऊे यू डू सर्टन थिंग्स फर द डेवलपमेंट अफ द सोसाइटी फर द डेवलपमेंट वेलफेयर अफ द सोसाइटी फर द वेलफेयर अफ द पीपुल फर द वेलफेयर अफ द कंट्री फर द गवर्नेंस अफ द कंट्री तो डायरेक्टिव प्रिंसिपलटा हूँ गोटे पॉजिटिव कांसेप्ट फंडामेंटल राइट गोटे नेगेटिव कहीं स्टेट को प्रोहिबिट कराऊे ना तुम्हें एमती किसी ल तैयारी करनी जो थे कि लोक मानकर फंडामेंटल ड्यूटीटा वायोलेट हम ओके तुम्हें जाचे फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल ओके फंडामेंटल राइट हूँ कौन ना जस्टिसेबल दैट इज दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट जदि तुम फंडामेंटल राइट वायोलेट हो तुम्हें आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट जाऊ आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट जाऊ फॉर देयर एनफोर्सेबल ओके तो तुम्हें हाई कोर्ट को जीवो कहिबो कि सुप्रीम कोर्ट को जीवो मिलर्ड मोर ए सब फंडामेंटल राइट वायोलेट होची ताहले सी इमीडिएटली जो कौन करिवो ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिफरेंट हमर रीड्स इश्यू करिकी तुमको न्याय जो दिलाइबो ओके तो दीज आर जस्टिसेबल दैट इज दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायोलेशन किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दीज आर नॉन जस्टिसेबल ओके बिकॉज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ कोर्ट फॉर देयर वायोलेशन ओके नेक्स्ट होची जे फंडामेंटल राइट आम कौन ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री रे एस्टाब्लीश करने फंडामेंटल राइट्स आम होता है आम डायरेक्टिव प्रिंसिपलटा आम कौन ना टू एस्टाब्लीशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हेले आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हेले आमर फंडामेंटल राइट ओके सो दीज आर एक्चुअली फंडामेंटल राइट आर लीगल सैंक्शन किंतु आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीटा मोरल आउ पॉलिटिकल सैंक्शन तो यहाँ हूँ आम डिफरेंस तापरे जो फंडामेंटल राइट इट इज प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल तो गोटे इंडिविजुअल वेलफेयर पर डेवलपमेंट पर तार जो फंडामेंटल राइट गुड़ा अच्छी प्रोटेक्ट करने आम फंडामेंटल राइटा एस्टाब्लीश हो फंडामेंटल राइट आम जो इंट्रोड्यूस हो फंडामेंटल राइट आम लोक मानक दि जाइए तो यहाँ गोटे इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल डेवलपमेंट पर फंडामेंटल राइटा अच्छे किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कौन आम गोटे वेलफेयर अफ द स्टेट कथा कहु वेलफेयर अफ द पीपुल कथा कहु वेलफेयर अफ द सोसाइटी कथा कहु तो से कौन हो कम्युनिटी लेवल वेलफेयर कथा कहु से यहाँ हूँ दे आर सोसाइटेरियन और सोशियालिस्टिक ओके ओके ये तो यही सब जिन गुड़ाक आम तो फ्रीडम अफ इंटरनेट भी आम आस जोटा कि आम कहे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आम आस ओके नेक्स्ट कथा हो फंडामेंटल राइट आर ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल तुमको एनफोर्स करने किसी ल दरकार ना ऑलरेडी आम कॉन्स्टिट्यूशन ताकू एनफोर्स करके तुमको देजे युवा हूँ तुम फंडामेंटल राइट तुम जेकोसी धर्म चाहे नहीं पार अंडर आर्टिकल 25 रे तुम राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्लीन एयर क्लीन एनवायरमेंट राइट टू स्लीप राइट टू पर्सनल लिबर्टी सब अच्छी राइट टू मैरी अच्छी राइट टू डेथ भी अच्छी ओके राइट टू लाइफ राइट टू डेथ भी तुम हूँ आर्टिकल फंडामेंटल राइट 21 रे आसुची ओके तो ये सब राइट्स गुड़ा ऑलरेडी तुमको दिया जाइए ओके किंतु ताप किसी ल तुम एनफोर्स करिया दरकार नहीं दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल ओके सो दे डोंट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट फॉर दे आर इम्प्लीमेंटेशन सो दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे सेमिति ना एथिरे हमर स्टेट को कहा जाउची जे तमे बाध्यक्यता देबा पई गोटे ल नेके आसो तमे कौन करो ना इंटरनेशनल पीस आउ सिक्योरिटी जो आमर यूनिफर्म सिविल कोड पई गोटे ल नेके आसो ट्रिपल तलाक पई गोटे ल नेके आसो तो एथिरे कौन होची दे आर नॉट एक्चुअली ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल सो दे रिक्वायर सम लेजिस्लेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सो दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल सेकेंड कथा लास्ट कथा हो कोर्ट आर बाउंडेड बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायोलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड जदि किसी ल तुम्हें पास करदी ये आम फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुच्ची डेफिनेटली से कौन कर जो ल अनुसार यहाँ नल एंड वॉइड कर दिया जीवो ओके
किंतु आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल केस रे सेया नो कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड ओके तो यही सब जिनस उड़ा को तमरा फंडामेंटल राइट ओके आउ डीपीएसपी भीतर हमर कौन अच्छी सब जो चेंजेस अच्छी ओके तो हमर जो एतिक थिला हमर फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी भीतर डिफरेंस कौन ओके हमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ले 44 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ले डीपीएसपी कहीं तीन टाक मुझे क्वेश्चन करी डेफिनेटली तीन टाक क्वेश्चन भितर दुटा क्वेश्चन ये वर्ष आस 2019 मेन परीक्षा कारण यहाँ लास्ट टाइम पढ़ी नाला तीन वर्ष है पढ़ी पढ़ी तो यह वर्ष डीपीएसपी फंडामेंटल राइट भितर डिफरेन्स पड़ 42nd 44 अमेंडमेंट एक्ट आक्ट भितर डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन पड़ तेणु एगुड़ाक तुम निहाती जानवा दरकार ओके तो जोड़ा आम हाईली इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर ओपीएससी मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु 2019 से ही सब टॉपिक को चूज करके आम जो ताको कौन करवा ना क्लास रे डिस्कशन करवा ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट सेम टाइम कली तीनटा बेले आम क्लास अच्छी जोड़ा कि आम पुणी कंटिन्यू करवा जो जोड़ा इंपोर्टेंट प्रोविजन आम ओपीएससी मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु आम डिस्कशन करवा तीन टू चार्टा आम क्लास हम सेम टाइम ओके सो प्लीज गाइज जॉइन आम यूट्यूब क्लास जोड़ा हूँ फ्री तेणु किए भी आम जॉइन करें तेणु एथे कि जो प्रॉब्लम ना ओके सो थैंक यू संयुक्ता थैंक यू जितेन्द्र थैंक यू सौभाग्य लक्ष्मी थैंक यू दीपक थैंक यू एवरीवन हाँ मु प्रोवाइड करी तांकर जो आमर जो चैनल अच्छे आमर जो टेलीग्राम चैनल से तुमको प्रोवाइड करी थैंक यू प्रतिमा थैंक यू अभिषेक थैंक यू तनुजा थैंक यू सरस्वती यस 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 सरस्वती आम डेफिनेटली डिस्कशन करवा ओके व्यस्त होना आम करवा